हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मुझे पता चल रहा है कि ये हमारे इंडियन सेलिब्रिटी आर गोइंग टू वर्क विद द सुपरस्टार्स आर गोइंग टू वर्क विद द नेपाल नेपाल इंडस्ट्रीज। और जैसे कि बोलना चाहूँगा, जैसे आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, प्लस आपने टाइटल भी देख लिया होगा सुनील शेट्टी के बारे में। सुनील शेट्टी सर इतने पॉपुलर थे, मतलब टाइम के हिसाब से वो थोड़े उसमें चले गए, लेकिन फिर भी उनका नाम है। मतलब यस, आई पर्सनली लाइक हिम बिकॉज उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है और मैं उनके सारी मूवीज प्रिफर करता हूँ। मतलब ऐसे चॉइसेस होते हैं ना, जैसे किसी किस एक्ट्रेस की देखनी चाहिए, तो उनमें सुनील शेट्टी जी सर भी होते हैं। और सुनील शेट्टी सर बोलते हैं ना, जितने ओल्ड हो रहे हैं उतने हैंडसम बनते जा रहे हैं उनके। अभी आप इसमें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या पिक्चर, मतलब पिक्चर बन गई है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम द चैनल आरओवी फिल्म्स। तो या विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते इस वीडियो की तरफ। लेकिन बाबू मेरा प्लीज हेडफोन मत खींचना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस नहीं करना तो मत कीजिए, वैसे कर लीजिए, और मेरी वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। इसको देखो, ये है मेरा चिड़िया और मैं इसको करूँगा परेशान। आ जाओ तो बैठ। One, two, and we go. दोस्तों, नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा है। देखो कितना और वो खबर ये लग है रहा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील शेट्टी पहली बार नेपाली फिल्म में काम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना कि बॉलीवुड के वो सुपरस्टार जिसके पोस्टर पर तस्वीर लगने से मात्र फिल्म हिट हो जाया करता था। 90s के दशक में सुनील शेट्टी सर का एक अलग ही रुतबा था। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि सुनील शेट्टी सर अब तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के साथ साथ मलयालम फिल्म में भी काम कर चुके हैं। अब देखना यह रहेगा कि नेपाली फिल्म में सुनील शेट्टी सर क्या जलवा दिखाते हैं। दरअसल नेपाल के एक बहुत ही काबिल फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है मुकुंद भट्ट, जिन्होंने सुनील शेट्टी को अपनी फिल्म X9 के लिए अप्रोच किया है, और इस फिल्म की मूवी का नाम 9X है। सर को बहुत ही पसंद अनमोल केसी साथ में। दोस्तों, मुकुंद भट्ट वही है जिन्होंने इससे पहले लप्पन छप्पन और लप्पन छप्पन 2 जैसी फिल्म बनाया था, काफी पॉपुलर है ना ये मूवी, अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, ये मूवी मुकुंद भट्ट ने सुनील शेट्टी सर को भी दिखाया और सुनील शेट्टी को मुकुंद भट्ट का काम बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, मेरे ख्याल में सुनील शेट्टी सर इस फिल्म में विलेन का रोल कर सकते हैं, सूट भी करेंगे, आजकल विलन ही पॉपुलर हो रहे हैं। राय है कि वो विलन बन सकते हैं, लेकिन वो जो भी रोल करे, ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि नेपाली कलाकार और भारतीय कलाकार मिलकर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट भी कर रहा है। आप बात कर लो लप्पन छप्पन 2 फिल्म की, जिसमें 70% से ज़्यादा इंटरनेशनल शूटिंग किया गया था, यानी इस फिल्म को 70% से ज़्यादा विदेश में शूट किया गया था, जिसके कारण यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा था। और उसमें भी इस फिल्म में सनी लियोन को एज अ गेस्ट अपीयरेंस में लाया गया था एक गीत में। बट यहाँ पर मेरे राय में एक्टर को सिर्फ नाम के लिए लाना और पब्लिक को मूर्ख बनाना सही बात नहीं है। अगर आप कोई बड़ी सेलिब्रिटी को साथ काम कर रहे हैं तो उसे फिल्म में कुछ अहम रोल देना चाहिए, ताकि उस एक्टर के जितने भी फैन हैं उस फिल्म को देखें और उस फिल्म की जितना भी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से फिल्म की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर इसी तरह से नेपाली और भारतीय कलाकार मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं नेपाली सिनेमा को हर तरह से फ़ायदा होगा, चाहे वो कमाई के मामले में हो, चाहे वो लार्ज ऑडियंस तक फिल्म को पहुंचाना हो। मेरे नज़र में ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा कदम है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के नेपाल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।
ये फिल्म आरोही की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन था वो उन्होंने कहाँ कहाँ से निकाला होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। और अच्छा लगा कि सुनील शेट्टी भी नेपाल इंडस्ट्री में आ रहा है, जैसे इन्होंने कहा वीडियो में कि दोनों देश में क्या वीडियो बनना, मतलब बॉलीवुड और नेपाल इंडस्ट्री दोनों एक साथ हो रहा होता है, तो इससे रेवेन्यू शेयरिंग मतलब रेवेन्यूज एंड ऑडियंस बढ़ जाती है। एंड एक और बात बताता हूँ, अगर ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अगर नेपाल इंडस्ट्री में भी आते रहे उसके बाद वहाँ की मूवी डब्ड, जैसे साउथ की मूवी हिंदी में डब होती है, बाकी कोई स्टेट्स की और हॉलीवुड डब होती है, वैसे नेपाल की भी डब होगी, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन में भी बहुत सारे फैंस हैं सुनील शेट्टी जी के, जिन जो और जो कोई ऐसे होंगे जो दूसरे देश के साथ मिलकर देखना चाहते हैं मूवीज और समझना चाहते हैं, उनके हिसाब से तो व्यूज़ बढ़ेगा, मतलब ऑडियंस बढ़ेगी। और इससे रेवेन्यू नहीं, वो मैं एक और चीज़ इसमें इन्होंने नहीं बोला कि रिश्ता कम्युनिटी, मतलब जो एक दो देश की रिश्तेदारी है वो और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी, वो सब है। और मेरे को अच्छा लगा यार, जिस तरीके से उसने एक और बोला सनी लियोनी को, जैसे गेस्ट अपीयरेंस लाया था, गेस्ट अपीयरेंस नहीं, कुछ ऐसे रोल दो ताकि लोग आके देखें, यानी कि वो बस उस गाने के लिए देखा, फिर बाद में अरे क्या आया जानता हूँ टीवी देख लेते हैं, ऐसा हो जाए, वो सब नहीं होना चाहिए। एंड ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बिकॉज सुनील शेट्टी आ रहा है, मतलब इज़ ऑन, मतलब एक एक्शन में, मतलब जैसे कि लपन चप्पल लपन चप्पल 2 के बहुत पॉपुलैरिटी थी मूवी की, काफ़ी सीन आउटसाइड हुआ बोला है, और मैंने भी ट्रेलर देखे हैं तो मुझे पता है, तो ऐसी मूवीज़ में अगर सुनील शेट्टी का या बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो येस डेफिनेटली द कैरेक्टर फ्रॉम नेपाल इंडिया, बस ही उधर की फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे, यहाँ के फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और दोनों देश को एक दूसरे की, मतलब मोस्टली इंडिया को पता चलते रहेगा कॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ऐसे वीडियो देखते रहेंगे और एंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरे चैनल में ये वीडियो पसंद आया, रिएक्शन पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू, स्टे सेफ एंड बाय।